टैंपरेरी फॉरन वर्कर एक नव पाथवे प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है कैनेडा दे विच। कहने का भाव आ वर्क परमिट से जिहड़े लोग कैनेडा जाना चाहते हैं उन्होंने एक नव पाथवे प्रोग्राम शुरू कर रही है गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा इस सितंबर तो मीनस अगले महीने सितंबर 2023 तो जिदे बहुत सारे लोग क्वालीफाई करके हम कैनेडा जा पाएंगे। प्रोसीजर भी सौखा कर दिता वा इन्होंने और ये हम कि लोग जा पाएंगे क्वालिफिकेशन की चाहिए है तो वर्क एक्सपीरियंस कि चाहिए चाहिए वा होर कि कंडीशन है ये डिटेल डिस्कशन अभी मैं इस वीडियो इस टॉपिक पर करूँगा। स्वागत थोड़ा सारे का साढ़े एमकेन इमीग्रेशन के इस यूट्यूब चैनल के उपर। मेरा नाम प्रतिपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस के लीगल कनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ, मैंबर हाँ CICC का और पिछले लंबे समय तो असं इस फील्ड काम करते आ रहे हैं, खास तौर पर कैनेडा वीजा और कैनेडा इमीग्रेशन लैके तुहाडी कोई कैनेडा स्पैसिफिक फाइल हैगी है किसी भी कैटेगरी की जरूर सानू कंसल्ट करो। एक छोटी जी रिक्वेस्ट वीडियो शुरू करने तो पहला अगर साडा यूट्यूब का चैनल तुसीं हुण तक सबसक्राइब नहीं किया या पहली बार साडे चैनल पर आ रहे हो जरूर साडा चैनल सबसक्राइब करो। रेगुलर बेसिस से बड़ी तरह की इनफॉर्मेशन जिहदे बहुत तरह की नवी नवी इनफॉर्मेशन असीं टाइम टू टाइम तुहाडे नाल शेयर करते रहिंदे हां। हुण इस प्रोग्राम की गल करते हैं टैंपरेरी फॉरन वर्कर लई एक नवां पाथवे प्रोग्राम जिन्हों ट्रस्टड इंपलॉयर पाथवे प्रोग्राम क्या इमीग्रेशन कैनेडा ने और इस क्विकर एक्सेस की गल की है। मैं जल्दी तो जल्दी वो प्रोसैस करे जे वर्क परमिट ने LMIAs ने वो शुरू कर जा रहे हैं इसे सितंबर 2023 तो। इस प्रोग्राम की खासियत यह हैगी है कि आम तौर पर कैनेडा जब कोई इंपलॉयर किसी बाहरों बुला चाहता वा जो कैनेडा चुनू वर्कर नहीं मिल रहा तो उन्होंने LMIA लेना पैंता वा। ये गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा का प्रोसैस आ जिदे काफ़ी लंबा समा लगता इंपलॉयर में काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन देनी पैंती है उन्होंने ये प्रूव करना जरूरी होंदा कि उस लैवल का वर्कर उन्होंने कैनेडा दे विच नहीं मिल रहा। हुण गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा जिहड़ा नवा पाथवे प्रोग्राम बना रही है इहदे विच की आ कि जिहड़े इंपलॉयर ने पिछले 5 सालां विच 3 वर्कर LMIA ते बुलाए ने इको ऑक्यूपेशन के उपर और वो जो वर्क परमिट दी कंडीशन सीगियां वो पूरिया उन्होंने पूरिया कीतियां ने उन्होंने कोई गलती नहीं की कंपलायंस पूरा किया वा उन्होंने हुण मौका मिलेगा कि उन्होंने LMIA दे रिगरस प्रोसैस जिसे चार पाँच महीने लग जाते हैं समटाइम्स डॉक्यूमेंटेशन ही काफ़ी होंगी है उसके थ्रू इन्हें जाना पेगा। क्विकर प्रोग्राम होगा जिदे उन्होंने थोड़ी जी एक स्क्रूटनी होगी इनिशियली उस तो बाद उन्होंने परमिशन मिल जाऊगी होर वर्कर बाहरों हायर कर पाएंगे। कहने का भाव यह है LMIA लैंड का प्रोसैस थोड़ा जहा ईजी कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा कर रही है उन्होंने इंपलॉयरस लिए जिन्होंने पहला वर्कर पिछले 5 सालों चो वर्कर बुलाए हुए हैं कैनेडा के इको ऑक्यूपेशन के घट्टो घट 3 वर्कर बुलाए होन और पूरा जो प्रोसीजर है वो उन्होंने कंपलायंस रखी होगी। ये हम फायदा की होगा सब तो पहला एग्रीकल्चर फील्ड के जो वर्करस ने और जो फूड इंडस्ट्री रिलेटेड वर्करस ने उन्होंने शुरू कर जा रहे हैं ये होर भी हूँ एग्रीकल्चर रिलेटेड फार्म वर्कर मौका मिलेगा। फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिथे एग्रीकल्चर तो शुरू होकर फार्म फील्ड तो शुरू होकर जो प्रोडक्ट आ वो सप्लाई चेन के थ्रू स्टोर तक पहुँचता वा जिथे लोगों को ना सिर्फ खाण पीन दीज़ा बल्कि रोज़मर्रा दल फ्रूट से सब्जी या आप मीट कह लिए डेयरी प्रोडक्ट्स कह लिए ये सारे प्रोडक्ट्स उत्थे तक पहुँचते हैं। सो फार्म वर्कर जो एग्रीकल्चर बेस्ड लोग इसे काम कर रहे हैं उन्होंने मौका मिलेगा। तुम डेयरी फार्मिंग का कोई काम कर रहे हो बैकग्राउंड उन्होंने मौका मिलेगा। फूड प्रोसैसिंग कोई लैन देन उन्होंने मौका मिलेगा। फूड प्रोडक्शन के कोई वर्क एक्सपीरियंस है कैनेडा के उन्होंने भी मौका मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन प्लस टू ही चाहिए है तुहाडा प्रायर वर्क एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए वा। IELTS की फार्म वर्कर के केस के एग्रीकल्चर फार्म वर्कर जाते हैं उसे IELTS की भी जरूरत नहीं हैगी। होर भी कुछ यह फील्ड है जिसे तुम्हें IELTS की जरूरत नहीं हैगी अदरवाइज अगर चाहिए भी है तो बहुत मिनिमल जहाँ IELTS के बैंड स्कोर चाहिए हैं। सो काफ़ी लोगों जोड़े स्टूडेंट वीजा तो इतों पंजाब चो अपने लोग नहीं जा पाते यंगस्टर्स नहीं जा पाते हैं क्वालीफाई नहीं करते IELTS नहीं कर सकते है पढ़ाई का लैवल प्लस टू तो बाद उच्चा नहीं है और या किसी होर तरीके एक्सप्रेस एंट्री डायरेक्ट PR लेके नहीं क्वालीफाई कर सकते उन्होंने बहुत सुनहरा मौका वा वो इस प्रोग्राम के थ्रू जा सकते हैं। 30 मिलियन के करीब इसका बजट रखिया गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने इतों ये देखो ये चीज़ समझ आती है कि होर भी वर्कर की डिमांड हैगी है कुछ यह क्रिटिकल इंडस्ट्रीज ने जिथे वर्कर की शॉर्टेज हैगी खास तौर पर एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री के काफ़ी वर्कर की शॉर्टेज हैगी है। एक टाइम से 2015 के जो 90,000 LMIA अप्रूव हुए थे पिछले साल 2022 की गल करा 2.25 लाख के करीब LMIA अप्रूव किए गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने इस साले
होर भी ज़्यादा जो नंबर है वह जाना वा मीनस कहने का मतलब तीन तीन लाख लोग जोड़े ने हर साल हम वर्क परमिट पर ही कैनेडा जा रहे हैं। सो एक होर सुनहरी मौका फास्ट प्रोसैस होगा यह और ये फॉरमैलिटीज भी ज़्यादा नहीं होगी और बहुत लोगों को मौका मिलेगा। बहुत यहोजे एप्लीकेंट्स जो किसी होर कैटेगरी कैनेडा क्वालीफाई नहीं करते हूँ वो वर्क परमिट लैके कैनेडा के एटलीस्ट 2 साल का वर्क परमिट लैके जा पाओगे। यदि फर्दर जी इनफॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम थोड़ा शेयर करते रहेंगे। बाकी असं बहुत तरह की वर्क परमिट से भी काम करते हैं, LMIA बेस्ड वर्क परमिट से भी काम करते हैं। जिदा मैं दस्या मैं एक लाइसेंस लीगल इमीग्रेसन कंसल्टेंट हाँ कैनेडा तो। ये कोई वर्क परमिट की एप्लीकेशन आ चाहे LMIA बेस्ड वर्क परमिट आ, स्पाउजल ओपन वर्क परमिट आ, स्टूडेंट वीज़ा वा, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, कोई PR की एप्लीकेशन है, कोई PNP के किसी प्रोग्राम कैनेडा जाना चाहते हो, असं वरायटी जो एप्लीकेशन देने काम करते हैं। कोई सजेशन लेना चाहते हो जरूर सूँ कंसल्ट कर सकते हो। किसी कैटेगरी तुम्हारा रिफ्यूजल है तो भी सूँ जरूर कंसल्ट कर सकते हो। नंबर साढ़े सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।